इकबाल शाह देख रहे हैं शेफ 21 और K21 न्यूज। खुशामदीद कहते हैं जितने लोग मौजूद हैं अपने टीवी स्क्रीन के सामने और शेफ 21 एवरी सिंगल डे में आप एवरी सिंगल डे लाइव देखते हैं हमें शाम 6 से 7 रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। और दोस्तों हमने जो कल बात की और इसके अलावा बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की फरमाइश भी की तो आपकी रिक्वेस्ट पे बहुत ही जबरदस्त रेसिपीज बिल्कुल शेयर करने जा रहे हैं। और इसके साथ आगाज में ये कहूंगा दोस्तों कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात पे ये सोचकर जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा जाया कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग अपने एंगल से देखते हैं आपकी जिंदगी को। तो आई थिंक आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप खुद अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। विजन होना जरूरी है, अपने जिंदगी में टारगेट होना जरूरी है और उसके बाद यकीन हो कि जो आप सोच रहे हैं वैसा इंशाल्लाह होगा, तो फिर वैसा ही होता है। वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। आज रेसिपी जो शेयर करने जा रहे हैं ठीक है, और सवाल भी बताते हैं कुछ ही देर में आपको ठीक है। और रेसिपीज दो शेयर करने जा रहे हैं आज आपके साथ, क्रीमी आलू का सूप ठीक है, क्रीम ऑफ पोटैटो सूप फाइनली आज शेयर कर रहे हैं। और क्रीम ऑफ पोटैटो सूप के साथ एक चिकन की अमेजिंग रेसिपी है, स्पाइसी चिकन ब्रेस्ट, बिल्कुल स्पाइसी चिकन ब्रेस्ट बनाएंगे। और सवाल इतना से है कि हाथी तालाब में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है हाथी तालाब में जाएगा तो क्या होगा। और जवाब दे रहे हैं आप कॉल करके, पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है, चलते रेसिपी जा रहे हैं। क्रीमी आलू का सूप बनाने के लिए पोटैटोज मौजूद है, आलू जो उबाल कर हमने मैश कर लिया था। जब भी अगर आलू को मैश करने की बात की जाए आप देख लोगे कि आपकी नजर से इसे गरम गरम में मैश करना है, ठंडा नहीं करना, ठंडा कर दिया उसके बाद इसमें गुठली बन सकती है। और साथ ही बाकी स्पाइसेस में यह देख सकते हैं मौजूद है मलका फूड्स द क्वीन ऑफ टेस्ट। और ये दिल से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ मौजूद हैं, आई थिंक आई स्ट्रॉन्गली बिलीव सच है कि मलका, आई थिंक तमाम जो औरतें ग्रेट देख रही हैं, आप सभी मलकाएं हैं, यू आर ग्रेट माशाल्लाह, जस्ट द वे यू आर। और कल बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात हुई हमारी कुकिंग क्लास में भी, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग शो भी देखते हैं एवरी सिंगल डे। आलू के अलावा बाकी चीजें देख लीजिए आप, व्हाइट फ्लावर मैदा शामिल करना इसके अंदर, मक्खन मौजूद है, बटर, फ्रेश क्रीम बिल्कुल 1 कप फुल लगभग एड करनी है। स्पाइसेस में मलका फूड्स की काली मिर्च है, नमक और वाइट पेपर सफेद मिर्च, और जरा सामने चिकन पाउडर ऐड करना है। इंग्रेडिएंट्स इसके हो गए। और ये भी शेयर करेंगे आज आपके साथ कि इन्हीं स्पाइसेस से, इसी क्रीम सूप से और ज्यादा किस तरह इनोवेट कर सकते हैं, न्यू रेसिपीज तैयार कर सकते हैं ठीक है। और सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक हाथी तालाब में जाएगा तो क्या होगा, जो इतना सा सवाल है जवाब दे रहे हैं हम कॉल करके, चलते रेसिपी की जाने। पोर्ट ड्राई कर लेना इसे परफेक्टली, ठीक है इसे ड्राई कर लेना, खुश कर लेना। और वैसे भी बर्तनों को खुश करके रखा जाए, हम बात कर चुके हैं ठीक है दोस्तों। और इसमें हमने आगाज में शामिल करते हैं मक्खन, लगभग 2 खाने के चमचे मक्खन शामिल कर रहे हैं। मक्खन के साथ ही हल्का सा फ्यू ड्रॉप्स, ताकि मक्खन बाज़ उकत जलता भी है तो इससे परफेक्टली कोको का फ्यू ड्रॉप्स हमने ऑयल के शामिल किए। अब कोई के लिए बाकी चीजों की करते हैं तैयारी भी, प्याज कर लेते हैं चॉप, एक अनियन हाफ है स्लाइस कर लेना इस तरह, देन चॉप कर लेना। दोस्तों चॉप प्याज शामिल करते हैं इसी के अंदर, ये देख सकते हैं आप। और प्याज को जरा सा सोते करना, हल्का सा कलर आएगा। साथ ही लहसुन शामिल करते हैं, और जरूरी है कि वैसे मौसम चेंज हो रहा है लेकिन बहुत से लोग कहते हैं किसी को ठंड लगी है या सर्दी भी फील होती है
तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सूप का अच्छा होना। हाफ टी स्पून लहसुन शामिल किया। दोस्तों एक रिसर्च हुई उसके मुताबिक चार ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, चार ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैंसर से फाइट करते हैं। लहसुन गार्लिक इज वन ऑफ देम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, विटामिन ए काफी मिकदार में होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कोई के लिए आप देख सकते हैं हमारे, हमने मक्खन, हल्का सा लहसुन, प्याज शामिल की, जरा सा सौते कर लेना है। आलू का सूप बना रहे हैं, क्रीमी आलू का सूप, क्रीम ऑफ पोटैटो, सवाल का जवाब दे रहे हैं, सिलसिला जारी है। और कुछ ही देर में इसमें व्हाइट फ्लावर शामिल करते हैं, पर उससे पहले प्याज ब्राउन हो इसलिए चूल्हा हम कम कर रहे हैं और मौजूद हैं कॉल पे। लेट्स सी कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो बेटा। आमीन आमीन। कौन बात कर रही हैं आप? मैं शहनाज बात कर रही हूँ, बावलपुर से। जी शहनाज जी, खुश आमदीद कहते हैं। बावलपुर का मौसम कैसा है? ठंड है काफी। काफी ठंड है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। आपका प्रोग्राम देखते हैं मैं, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह जबरदस्त कुकिंग करते हो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहें, शादो आबाद रहें। और आप आज आपके मेन्यू में क्या बनने जा रहा है शहनाज जी? मेरे बच्चे ने बनाया वो अंडे का, आपने नहीं बनाया था अंडे? अंडे का हलवा, सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। दो तीन दफा मेरी बच्ची ने बनाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। मैं दुआ करती हूँ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों शहनाज मौजूद हैं बावलपुर से, और बावलपुर में बसने वाले सभी दोस्तों को सलाम। और बटर, प्याज, लहसुन, उसके बाद मैदा शामिल करते हैं, सिलसिला बिल्कुल जारी है। इसमें दोस्तों जहर आलू का सूप बना रहे हैं, ठीक है। आलू के अंदर भी स्टार्च होता है तो काफी हद तक ठीक करेगा, इसलिए कंपैरेटिवली बाकी क्रीम सूप के इतना ज्यादा मैदा मक्खन शामिल नहीं करना। व्हाइट फ्लावर इसी के अंदर शामिल करते हैं। वन एंड टू टेबल स्पून, दो खाने के चमचे लगभग, और इसे हम जरा बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये आप देख रहे हैं इसका जबरदस्त टेक्सचर भी आ रहा है, हल्का सा दबाना भी आपने प्रेस करना है ताकि गुठली ना बने, लम्स ना बने, ठीक है दोस्तों। और सिलसिला जारी है, किशोर साहब के लिए वक्त मुख्तसर है, वक्त की भी यही खराबी दोस्तों चला जाता है। दो रेसिपी शेयर करें, सवाल इतना से पूछा, ट्रिकी भी आप कह सकते हैं। एक हाथी है बल्कि सवाल एक हमारा, एक ब्लू पत्थर पानी में जाता है तो क्या होगा, जवाब दे रहे हैं। और मलका के स्पाइसेस शामिल की, अच्छी तरह से बुनाई का सिलसिला जारी रख रहे हैं। कुछ ही देर में हमने बाकी चीजें बेट करनी है, इसे तेज करना है ताकि दाना बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। एक ब्लू पत्थर, उसे आप थ्रो करते हैं पानी के अंदर, समुन्द्र के अंदर, तो क्या होगा। ब्लू पत्थर को समुद्र में पानी में थ्रो करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से आपने मैश कर लेना। बल्कि ये वुड का एक और चम्मच है, इससे भी आप कर सकते हैं, दबाना आपने तक गुठली ना बने, अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना। दोस्तों कॉल पे मौजूद हैं, सलाम बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सना क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, मजे में, बहुत खुश। क्या कहेंगी सना? पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी। जी जी बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी बनी है। क्या बात है सना आपकी। अच्छा सना, जवाब देंगे सवाल का? लगता है सना कि बारिश हो रही है, कहीं हो रही है क्या बारिश? दोस्तों हमने मक्खन शामिल किया, मैदा, प्याज, हल्का सा लहसुन, कुछ देर हम इसकी बुनाई की, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, एक हाथी
तालाब में समुंदर में जाएगा तो कैसे निकलेगा, इतना सा सवाल है आपसे। अच्छा उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने पानी ऐड करना है और जब आप पानी ऐड करें, अच्छा क्रीम सूप का बेसिक मेथड आपको बताऊं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये वो लोग जो अपना बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं, फाइव स्टार होटल में काम करना चाहते हैं, दुनिया का वीजा हासिल करना चाहते हैं, देख रहे होते हैं कुकिंग शो, फॉलो करते हैं रेसिपीज, आपको बताऊं ये रेसिपी आपको रेस्टोरेंट होटल कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने काफी अरसे तक बिजी में कहा जी बिजी में सूप के एवरी सिंगल डे 6 से 7 तरह के सूप बनाया करता था, आपको बताऊं। तो इसके 3 मेथड होते हैं क्रीमी सूप के, मैदे मक्खन की भुनाई अलहदा होती है, स्टोक अलहदा से तैयार होता है और लास्ट में एक अलग से प्रोसेस होता है, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं क्रीमो पोटैटो का, इसी पोर्ट के अंदर ये सभी प्रोसेस होंगे, ठीक है। और दुनिया के कहीं से भी आपके पास मेहमान आ रहे हैं, अमेरिकन और इटालियन, सबको ये पसंद आएगा। मैदा मक्खन प्याज के बाद लहसुन और ये पानी शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, जरा जरा सा पानी करना है, कॉन्टिन्यूसली बीट करना है, और कॉलर भी मौजूद है, लेट सी कौन और कहां से है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? जी जी परफेक्ट, हुमा कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला खुश रखे। आप बस हुमा दुआओं में याद रखिए, आपकी दुआओं की हमें जरूरत होती है, सबके लिए दुआ करते हैं, पूरी टीम के लिए दुआ कीजिए। जी जी शुक्रिया। और सूप बना रहे हैं पोटैटो, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, सूप बना रहे हैं बिल्कुल। अच्छा कल आपकी कुकिंग क्लासेस थी आपने बताया था? जी जी जी। तो अच्छा मेरा भी दिल चाह रहा था, लेकिन असल में मैं दिन में मैं शाम में आती हूँ, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आपकी क्लास लूँ, लेकिन कुछ मजबूरी की बिना पर मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आई थिंक कि आपको बहुत शुक्रिया, कल माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग आप मौजूद हैं और ऐसा फील होता है बिल्कुल साथ हैं, और यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह मीटअप रखेंगे जो K21 से शो देखने वाले उनसे हम एक मुलाकात कर रखेंगे, वहाँ लाइव कुकिंग करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। उमा जवाब देंगे सवाल का? तो अगर तालाब में एलिफेंट जाएगा तो यकीनन वो पानी बाहर आ जाएगा उसका, तालाब में हाथी जाएगा तो बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, जाहिर है जब वो मतलब गिरेगा या तो उस तरह तो वो पानी बाहर आएगा ना तालाब का, कहीं डूबेगा तो नहीं? डूबेगा तो नहीं कहीं? नहीं डूबेगा नहीं, तालाब में तो नहीं डूब सकता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों से बीट करें, और इसके अंदर पानी बिल्कुल शामिल कर चुके हैं, सिलसिला जारी, क्रीम ऑफ पोटैटो साथ ही चिकन की रेसिपी शेयर करनी है। सवाल इतना है कि तालाब में हाथी जाएगा तो कैसे निकलेगा, सिर्फ इतना सा सवाल है। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद कहते हैं, देख रहे हैं आप शेफ 21, और जितने लोग मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया, रेसिपी शेयर करें आज क्रीम ऑफ पोटैटो सूप, क्रीमी आलू का सूप से मिली रेसिपी बता है, साथ ही हमने स्पाइसी चिकन ब्रेज की रेसिपी भी शेयर करनी है। सवाल इतना सा पूछा, तालाब में हाथी जाएगा तो कैसे निकलेगा, जवाब आप दे रहे हैं, सिलसिला जारी है, इंटरनेट की दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक इंस्टा पे, सिर्फ इकबाल शाह लिखना है, IQBAL इसके बाद SHA, इकबाल शाह शेफ नहीं लगाना,
सर्च कीजिए और आपकी मोहब्बतों की वजह से 1,11,000 लाइक हो चुके हैं। वी नीड मोर पीपल इसी तरह साथ देते रहिए। दोस्तों इसमें हमने मक्खन, प्याज, लहसुन शामिल किया, हल्का सा मैदा और पानी शामिल किया और देखिए कंसिस्टेंसी की। जरा सा इसके अंदर मेरे ख्याल से पानी और ऐड करने की जरूरत होगी। ठीक है, चिकन पाव स्टोक भी आप शामिल कर सकते हैं। बेस्ट है चिकन पाउडर ना हो तो नॉर्मल गर्म पानी शामिल करना है। फ्लेवर किस तरह स्ट्रॉन्ग करना आपको बताते हैं। दोस्तों ये आलू मौजूद है हमारे पास, जिसे उबाल कर हमने मैश कर लिया था, देख सकते हैं आप। ये मैश्ड पोटैटो ऐड करते हैं, क्योंकि उबाल कर से हमने पीस लिया था। और ये मैश्ड पोटैटो हम इसी के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, और इसे आपने मिक्स कर लेना है कुछ अच्छी तरह से, बल्कि इसे हैंड मिक्स की मदद से करना होगा ताकि अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। टेक्सचर इसका वही है जो बनाना चाहते, देख सकते हैं आप। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस की दुनिया में मौजूद है मलका फूड्स हमारी रहनुमाई के लिए, जिसमें MSG का यूज नहीं किया जाता। मलका फूड्स में ग्लूटेन नहीं होता। MSG काफी चीजों के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ज्यादा MSG लेने की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होती है, एंग्जाइटी होती है, आप चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। इसका ताल्लुक फूड से भी होता है। जब आप हेल्दी फूड लेते हैं आप अच्छा फील करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है मलका फूड्स की। तो मलका का हम नमक ऐड करते हैं सबसे पहले। नमक के बाद दोस्तों इसमें हम शामिल करें सफेद मिर्च, वाइट पेपर, ठीक है, मलका की इनको 3-4 चुटकी, आधा चम्मच हम शामिल करते हैं ये इसके अंदर काली मिर्च, ठीक है। और इसमें दोस्तों चिकन पाउडर ऐड करते हैं। अगर चिकन स्टॉक है तो आपको ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चिकन स्टॉक पहले स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ऐड करके इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आपको इसका टेक्सचर भी दिखाते हैं दोस्तों, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली थिक भी होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पोटैटो सूप को कुछ देर रखते हैं, उसके बाद क्या चीजें ऐड करनी है बिल्कुल आपको बताएंगे। सिलसिला जारी, जवाब दे रहे हैं सवाल का भी, और अब चलते हैं अगली रेसिपी की जानिब। और बहुत शुक्रिया बहावलपुर वाले दोस्तों का भी, पंजाब, पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुल्क से बाहर बहुत ज्यादा लोग देख रहे होते हैं परदेश में कुकिंग शो, सभी को सलाम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये प्रोसेस जारी है और अब चलते हैं बाकी प्रोसेस की जानिब, चिकन की जानिब। ठीक है, और स्पेशली मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि कुछ दोस्त हमें जिस तरह आयशा लाना जी मौजूद होती है अमेरिका में, हमें देखती हैं, और ये बात सच है कि बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी काम करते हैं उनके शुक्रगुजार है, क्योंकि वो बाहर से जो पैसा आता है वो बहुत ज्यादा अहम है हमारे मुल्क के लिए भी। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा पैसा आता है बाहर से, जो हमारे मुल्क से लोग बाहर काम करते हैं, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं रहा हूँ मुल्क से बाहर। ठीक है, तो उनको भी सलाम। अच्छा दोस्तों इस तरह आपने इसके ये पीस देखिए, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, इसे आप इजीली हाथ से भी निकाल सकते, कलेदा कर सकते हैं। ये देखिए ये पीस होता है बिल्कुल जिस तरह अंडरकट किस तरह निकल जाता है, इजिली अलहदा हो जाता है। इवन नाइफ यूज करने की जरूरत नहीं है, एक इंडोनेशियन डिशेज साथ ही उसमें भी इस तरह यूज किया जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको बताते हैं दोस्तों। इसके चिकन ब्रेस्ट हम साबित यूज नहीं कर रहे, बीच से इसको दो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पतला से फ्लेक निकालेंगे, बहुत एहतियात से यहां से अपने स्टार्ट करना है। ये अलहदा हो जाएगा देखिए अब। ठीक है, जब अलहदा हो जाए हल्का से हैमर भी कर सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों इसे इसी तरह हम बनाएंगे स्टेक की तरह। ठीक है, दो नहीं कर रहे, इसे सिर्फ फ्लेक खोला है, पतला कर लेना से। बहुत से लोग शवरमे में जो होटल में बनाते हैं इस तरह करते हैं, बोनलेस मीट में भी उसे थिन कर लेते हैं। सूप भी तैयार हो रहा है, इसे भी हम इस तरह से काट लेते हैं।
तरह से आपने खोल लिया हल्का सा रॉड से, डिप करना था। फिर उसके बाद उसी तरह से आपने नाइफ का दूसरा हिस्सा लिया, उसे हैमर कर लेना, आपने थिन कर लेना और पतला कर लेना इसे। ठीक है, बल्कि आप कांटे से भी कर सकते हैं, फोक से भी इस तरह आप निशान लगा सकते हैं कांटे से, ताकि जब मसाला अप्लाई करें तो चिकन के अंदर तक रच जाए। अब दोस्तों चलते हैं इसकी मैरिनेशन की जानिब, किस तरह से मसाला इसका तैयार करें। बॉल मौजूद है और इससे मजे का मसाला बनाएंगे। दोस्तों इसमें हम दही शामिल करते हैं 1 कप। दही के साथ नमक ऐड करते हैं, मलका का 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर ये 1 टीस्पून दोस्तों, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च, सफेद मिर्च जरासी, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1-2 टीस्पून, और इसमें हम ऐड करते हैं दोस्तों पिंच ऑफ साइलेंस प्लीज, पिंच ऑफ आपने फूड कलर ऐड करना है। ठीक है, और इसे आपने मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह इसका मसाला तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप दोस्तों इसे अच्छी तरह से आपने मैरिनेट किया। अब क्या करना आपको बताते हैं, ये सूप भी हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, ऐसे में कुछ देर के लिए इसके अंदर रख रहा हूँ मसाला लगा के, मसाला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए K21। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर शो, वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक की जानिब जाना है और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए K21। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर शो, वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। सवाल इतना सा पूछा कि हाथी पानी में जाएगा तो कैसे निकलेगा, फाइनलाइज करते हैं, लास्ट 7 मिनट बाकी हैं, इसमें दोनों चीजें तैयार करते हैं। ये हमारा क्रीम ऑफ पोटैटो सूप तैयार होने वाला है, फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रखा है, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और चलते हैं सूप की जानिब दोस्तों, आलू का सूप जो हमने तैयार किया देख सकते हैं आप, काफी मजे का हो चुका है तैयार, कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिए आप। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर रहे हैं, फ्रेश क्रीम लगभग 1/2 कप ऐड करने के बाद जरा सी इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं दोस्तों सूखी मेथी। ठीक है,
ना ओरिगेनो थाइम ना रोज मेरी बल्कि सूखी मेथी, शिमला मिर्च जो काट कर रखी है ये भी इसके अंदर हमने शामिल की, यानी कि कैप्सिकम, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अब जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे क्रीमेट करने के बाद आप देखेंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही अमेजिंग हमारा माशाल्लाह सूप हो चुका है तैयार। ठीक है और अच्छा अब चलते हैं हमारी मेन डिश की जानिब। फ्राइंग पैन गरम कर चुके हैं, इसमें डायरेक्टली ऑयल शामिल नहीं कर रहे, ये जो मसाला हमने मिलाया था इसी के अंदर ऑयल शामिल कर रहा हूँ जरा सा 2 टेबल स्पून, और इसे जरा मिक्स किया। बहुत ही मिर्च वाला मसाला है, स्पाइसी है, पर मजे कैसे उठाया आपने इस तरह। और ये पैन के अंदर ऐड करते हैं, हल्का सा कुकिंग ऑयल इस पैन के अंदर भी हम शामिल करते हैं। और ये दूसरा जो पीस है चिकन का इसे उठाया और ये आपने इसमें शामिल किया। दो चीजें बहुत ज्यादा है मैं स्पाइसी आने के बाद बन चुका है वैसे काफी है। एक तो इसे कलर लाना आपने तेज आंच पे, ठीक है, और कलर जब आ जाए फिर उसके बाद गलावर का भी आपको बताएंगे, इस तरह से बिल्कुल टेंडर कर लेना है। ठीक है जब तक इसका प्रोसेस जारी है तुम सूप को फाइनलाइज कर लेते हैं, सूप निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारा क्रीम ऑफ पोटैटो सूप हो चुका है तैयार, चूल्हा कर चुके हैं बंद और इसे डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा इसका टेक्सचर आप देखेंगे आपको खुशी होगी देखकर, पीकर और भी मजा आएगा आपको, एंजॉय करेंगे। आलू का बहुत ही जबरदस्त सूप क्रीम ऑफ पोटैटो हो चुका है तैयार और जरूर ट्राई कीजिए। जरा क्लीनिंग कर लेते हैं, चिकन का प्रोसेस जारी है तो तब तक जब तक ये कलर आ रहा है हम बाकी चीजों को रिमूव कर लेते हैं जिनकी इस वक्त हमें जरूरत नहीं, मौजूद रहे आप और ये देख सकते हैं आप इसका प्रोसेस। जैसे ही एक साइड से कलर आ चुका है देख सकते हैं, इसे हम टर्न करते हैं दोस्तों, ये उठाया और सिर्फ टर्न करना है। दोस्तों काफी मजे का बनेगा, इस वक्त तेज आंच पर कुक करना है जब तक इसका अच्छा सा इसका जबरदस्त कलर आ जाए, फिर गलावट का भी तरीका आपको बताते हैं, बाकी चीजों को रिमूव करते हैं। चल ठीक है सिलसिला जारी और देखिए कितनी क्विकली चीजें तैयार हो जाती हैं, आप कम टाइम में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों और मेरी गुजारिश है आप सबसे, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। और एक और आपको चीज बताऊं, क्योंकि कल मैं जब अपने एक रेस्टोरेंट में गया मैंने देखा एक दो तीन ऐसे कुक थे, एक जिसका पूरा हाथ जल चुका था, बहुत सी औरतों के हाथ जल जाते हैं ऑयल की वजह से, काफी बाज़ुकात ऑयल गिर जाता है, बाज़ुकात आप गरम गरम आप पोट पकड़ लेते हैं हाथ से, बाज़ुकात ओवन में हाथ लग जाता है, बाज़ुकात ऑयल से, तो क्या करना चाहिए, बेस्ट चीज जो करनी चाहिए आपको बताते हैं। दोस्तों कलर आ चुका है और इसे देखते रहना आपने, अंदर तक से आपने गलाना है। ठीक है जरा और ऑयल ऐड करते हैं, कुकिंग ऑयल, कुछ देर के लिए से आप कवर भी कर सकते हैं। ठीक है और धीमी आंच पे कवर करना है, कुछ देर ये बांफ में स्टीम में ही गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की जानिब चलते, हमने कहा कि अगर आपको हाथ जल जाता है गर्म ऑयल की वजह से, कोई पोर्ट आप पकड़ लेते हैं या ओवन की वजह से, बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो ये कि अंडे अंडे जो अंडा तो मौजूद होता है, सिंपली आपने अंडा ब्रेक किया, अंडा आपने लगाना उस जगह पे। अच्छा उससे पहले आपने आइस क्यूब निकाली आपने फ्रिज से, आइस क्यूब अप्लाई करनी है, आइस क्यूब के बाद फौरन वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अंडा अप्लाई कीजिए और हल्का सा नमक लगाइए, इंशाल्लाह कभी भी छाला नहीं पड़ेगा। हमारे अपने कैमरामैन का भी असद साहब किस तरह जला था, हमने यही किया और ये बेस्ट चीज है यार, बर्फ उसके बाद अंडा अप्लाई करना है। जी सर दोस्तों वक्त बहुत ही मुख्तसर है और ये हमारी
चीजें होनी है तैयार। सवाल पूछा कि एक हाथी तालाब में जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है, और जवाब देते रहे आप, सिलसिला जारी रहा। तो उमा ने जवाब लिखा कि पानी बाहर आ जाएगा, किसी ने कहा कि हाथी डूब जाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ जवाब आए और हम सॉरी आपकी ज्यादा कॉल भी ना ले पाए, लेकिन जवाब आपको बताते हैं। जरा इसे आपने फोक से रिटर्न ओवर करना है। दोस्तों इसका कलर देखिए आप, अच्छा ठीक है, दुरुस्त जवाब है दोस्तों। पानी हाथी तालाब में जाएगा तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल से ट्रिक के सवाल था, हम कहते रहे बिल्कुल गीला होके निकलेगा, एंड इट वाज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर साथ रहने के लिए। प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं, कैबेज लिए इतनी सी आपने, फाइन जूलियन कर लेना आपने इस तरह से। ये रखा इसके ऊपर, ये सलाद पत्ता रखा इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, वेल डन करना चाहिए, बहुत ज्यादा से गल चुका है काफी, तो देखिए हड्डी सलीला हो रहा है, देखिए इसे इस तरह आपने रखा दोस्तों, ये देख सक रहे हैं आप कैमरे की नजर से। और ये इस तरह आपने रखना है, ठीक है। और बहुत से लोग कह रहे हैं गला निकला, चलिए आपको दिखाता हूं ये दोस्तों, ये अंदर तक बिल्कुल ये देखिए परफेक्टली गल चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और क्लीनिंग करते हुए लेते हैं इजाजत आपसे, थैंक यू सो मच फॉर साथ रहने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद आबाद रहें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एवरी सिंगल डे लाइव 6 से 7, रिपीट 11 से 12 बजे तक, यहाँ आपको बेस्ट रेसिपीज मिलेंगे ओनली ऑन K21 न्यूज़। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।